चंद्रयान 2 लगभग 30 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के बाद चांद की पहली कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 20 अगस्त को अंतरिक्ष यान को चंद्र की कक्षा में पहुंचाने का अभियान पूरा कर लिया है। इसरो वैज्ञानिकों ने सुबह 8:30 से 9:30 बजे के बीच चंद्रयान 2 को चांद की कक्षा में प्रवेश कराया। अब चंद्रयान 2 118 किलोमीटर अपोजी चांद से कम दूरी और 18,078 किलोमीटर की पेरिजी चांद से ज्यादा दूरी वाली अंडाकार कक्षा में अगले 24 घंटे तक चक्कर लगाएगा। इस दौरान चंद्रयान की गति को 10.98 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर करीब 1.98 किलोमीटर प्रति सेकंड किया गया। अंतरिक्ष यान की स्पीड में 90% की कमी इसलिए की गई है ताकि वह चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में आकर चांद से ना टकरा जाए। बता दें, चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव 65,000 किलोमीटर तक है, यानी चांद से इस दूरी तक आने वाली किसी भी वस्तु को चांद अपनी ओर खींच सकता है। इससे वह चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से संघर्ष करते हुए चांद की कक्षा में प्रवेश किया। 20 अगस्त यानी मंगलवार को चांद की कक्षा में चंद्रयान 2 का प्रवेश कराना इसरो वैज्ञानिकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसे बेहद कुशलता और सटीकता के साथ पूरा कर लिया है। 7 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई को श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से रॉकेट बाहुबली के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। इससे पहले 14 अगस्त को चंद्रयान 2 को ट्रांस लूनर ऑर्बिट में डाला गया था। 1 सितंबर तक चांद के चारों तरफ 4 बार कक्षाएं बदलने के बाद अंतरिक्ष यान से विक्रम लैंडर बाहर निकल जाएगा। विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर भी ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के चारों तरफ 2 चक्कर लगाने के बाद 7 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको चंद्रयान 2 की ये नई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।